ग्रेटर नोएडा के जीआईपी मॉल में आज मैं आपको टूर कराने वाली हूँ। आज है संडे का दिन और संडे के दिन हम जाने वाले हैं जीआईपी मॉल। जो जीआईपी मॉल है उसका फुल नेम है ग्रेट इंडिया प्लेस। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ग्रेट इंडिया प्लेस मतलब इंडिया का सबसे बड़ा मॉल में से एक ये शामिल है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका लोकेशन मैं आपको दिखा दूँ कि इसका जो लोकेशन है वो है सेक्टर 18 अट्टा मार्केट के पास में ये मॉल है। और ये मॉल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। डायरेक्शन की बात करें तो सेक्टर 18 के मेट्रो स्टेशन पे जब भी आप उतरेंगे तो थोड़ा सा ही आगे बढ़ने के बाद आपको ये ग्रेट इंडिया पैलेस यानी जीआईपी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा। एंट्रेंस आप देख चुके हैं। एंट्री लेने के बाद अंदर का जो कुछ माहौल है वो कुछ इस तरीके का है। संडे के दिन आज हम शॉपिंग करने आए हैं और साथ में ही वैभव को घुमाने भी लेकर आए हैं। और ये हमारे नियरेस्ट लोकेशन में पड़ता है, तो मोस्टली जब भी हस्बैंड का मन होता है तो वो यहाँ पर हम लोग को लेकर आते हैं। पिछले एक दो वीडियो और भी हमने यहाँ के शूट किए हैं और अपलोड किए हैं, जो कि आप लोगों ने देखे और आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आए। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मोस्टली अलग अलग सेक्शंस मिलते रहते हैं। ये वाला जो खूबसूरत सेक्शन था ये पिछली बार नहीं था, अभी नया ही लगा है और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पर मोस्टली ब्रांडेड कपड़ों के लिए ये शोरूम फेमस है। ब्रांडेड कपड़े आपको मिल जाएंगे और ब्रांडेड सामान के लिए फेमस है, जो कि हर तरीके का सामान यहाँ पर अवेलेबल है। खाने पीने की चीज़ें भी जो है ना वो आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगी। बैठने का प्रॉपर स्पेस आपको मिल जाएगा। तनिष्क हो, पैंटालूंस हो या फिर कोई भी बड़ा ब्रांड हो, इस मॉल से सब कुछ अटैच है, मोस्टली सब कुछ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी खूबसूरत जगह है और इतने कलरफुल चीज़ें हैं जो कि हम सभी को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। चलिए आपको दिखाते हैं आगे। और यहाँ पर बच्चों को जब भी हम घुमाने लेकर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा एंजॉय बच्चे करते हैं, क्योंकि बच्चों के खेलने के सेक्शंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं और ढेर सारे टॉयज़ के साथ इस तरीके के छोटे छोटे कैंप जो है ना वो आपको मॉल के अंदर मिल जाते हैं। साथ ही अगर आप ज्वेलरी को लेकर अगर आप एकदम पैशनेटेड हैं तो आपको एकदम फुलफिल वाली ज्वेलरी मिलेगी और एकदम पसंद वाली ज्वेलरी मिलने वाली है। अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं फूड मार्केट के अंदर, जहाँ पर फ्रूट्स वेजीज और खाने पीने का सामान यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए सबसे पहले इंजॉय करते हैं और दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ स्पेशल है यहाँ पर। साइड से जो आपने देखा वो था फ्रूट्स एंड वेजीज का सेक्शन था और बाकी के जो सेक्शंस हैं वो हमारे ग्रॉसरीज के हैं। सो यहाँ पर मैं और हस्बैंड हम दोनों ही शॉपिंग कर रहे हैं और वैभव को मैंने वीडियो बनाने को बोला है, तो देखो वैभव कैसे वीडियो बनाते हैं। वैभव का कोई डायरेक्शन पता नहीं होता, वो कहीं से भी कुछ भी शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें ले रही हूँ, जैसे कि मुझे चाहिए था शहद। गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है तो मैं सुबह सुबह जो है ना मैं थोड़ा सा शहद और गुनगुना पानी में सुबह लेती हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा वॉमिटिंग जैसा लगता रहता है सुबह में। और यहाँ पर जो है ना स्टेशनरी का बहुत ही अच्छा सामान मिलता है, तो मैं यहाँ पर वैभव के लिए परचेज़ कर रही हूँ सामान स्टेशनरी को लेके। यहाँ पर मुझे कलर बुक मैं ढूँढ रही थी, कलर बुक और एक्टिविटी बुक जो रहते हैं ना वो मॉल वगैरह में काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ पर क्या कुछ परचेज़ किया है, कौन कौन से बुक्स वगैरह यहाँ पर मैंने लिए हैं। जो कुछ भी सामान मैं ले रही हूँ उसका एक अलग से वीडियो मैं अपलोड करूँगी, जो कि आगे आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो एक फेमस सेक्शन है मैं आपको बता दूं, जो हम लोग मोस्टली नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं, प्रेमचंद्र के गोदान, गबन, निर्मला, इस तरीके के भी नॉवेल्स हमने यहाँ से परचेज़ किए हैं, जो कि हमें काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में और हमें डिस्काउंट में मिले हैं। और यहाँ पर हम बात करें पूजा पाठ की, तो यहाँ पर हम कुछ सामान ले रहे हैं जो कि आपको दिखाते हैं। मैंने यही कहा था लेने को, ये ले लो, छोटा ऐसे बड़ा वाला ले लो। दिया नहीं, दिया के लिए, दीपक के लिए तो यही सही है।
ग्रॉसरीज़ का सामान लेने के बाद थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ेंगे सो यहाँ पर समर कलेक्शन बहुत ही अच्छा है लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा कलेक्शन मुझे दिख रहा था। और आप देख सकते हैं जगह जगह डिस्काउंट के भी इस तरीके के सेक्शंस डिवाइड हैं, 50%, 40%, 20% डिस्काउंट भी था। तो हस्बैंड ने बोला कि और कुछ लेना चाहो तो तुम ले सकती हो। यहाँ पर मैं ट्राई कर रही हूँ एक दो कुर्तियाँ वगैरह। यहाँ के कपड़े मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं फिटिंग एंड ऑल में, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल और यूज़फुल होते हैं। सो गाइस, शॉपिंग करते करते मैं तो गई हूँ थक, मेरे पैरों में होने लगा दर्द। एक जगह मुझे बैठने की जगह मिल गई, मैं आराम से यहीं पर बैठी हुई हूँ। हस्बैंड गए हैं लोअर ट्राई करने के लिए, वो ट्राई करके आते हैं फिर देखते हैं कि क्या कुछ किया है हमने शॉपिंग, तो दिखाएंगे। वैसे थक गई हूँ काफ़ी ज़्यादा। ये देखो वैभव की मस्ती चल रही है। इधर इधर आओ, इधर वो ब्लैक वाला तो ड्रेस मुझे पसंद आया, ये वाला मुझे थोड़ा कम पसंद आ रहा है। कपड़ा तो बहुत अच्छा है बट कलर मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ही चेंज करूँ, कोई दूसरा वाला ले लेती हूँ, पिंक वाला। कपड़े वगैरह परचेज़ करने के बाद हम आ गए हैं अगेन ग्रॉसरीज़ का सामान लेने के बाद आगे, जहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर जो है ना फ्रूट्स एंड वेजीज़ के काउंटर्स हैं, जहाँ पर आपको फ्रेश फ्रूट आपको मिल जाते हैं। जैसे कि समर चल रहा है तो समर के टाइम पे मोस्टली मैंगो सभी के फेवरेट रहते हैं। आप देख सकते हो इतना प्यारा ट्री बनाया था, ये बहुत अट्रैक्ट कर रहा था सभी लोगों को। और यहाँ पर एक चीज़ स्पेशल चल रही थी, एक कंपटीशन चल रहा था लेडीज़ के लिए स्पेशली, वो था सैंडविच मेकिंग का, कि बेस्ट सैंडविच मेकिंग कॉम्पिटिशन चल रहा था। और मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ, क्योंकि जैसे कि आपको पता है मेरा दीप्ति फूड्स किचन चैनल है और जिस पर मैं मोस्टली रेसिपीज़ के वीडियोस बनाती रहती हूँ, तो मुझे फूड का बहुत ही ज़्यादा लगाव है बनाने का। बट हस्बैंड बोले टाइम ज़्यादा नहीं है और कंपटीशन वगैरह में टाइम काफ़ी लग जाता है, तुम इन चीज़ों में नहीं पढ़ो, आराम से शॉपिंग करो और टाइम से घर चलो, तो वो मैंने मिस कर दिया। अब बात करते हैं यहाँ के काउंटर्स की, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ना सीजनल सारी चीज़ें आपको एकदम से फ्रेश मिल जाती हैं, चाहे वो नारियल हो, क्रैप्स हो या फिर ड्रैगन फ्रूट हो, कोई भी फ्रूट अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर हर तरीके के सारे तरीके के फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं। और रेट की अगर बात करें तो सब पे इस तरीके के स्लिप लगे होते हैं, जिससे कि आपको पता चलता जाएगा कि कौन सी चीज़ कितने का है। ये एवोकाडो है जो कि पर पीस 49 रुपीज़ का है। और वेजीज़ की बात करें तो वेजीज़ भी आपको फुल ऑन फुल फ्रेश मिलेगा। और जो रेट की बात करें तो बाहर के रेट में और यहाँ के रेट में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं। अगर बाहर क्वालिटी थोड़ा डाउन है, यहाँ क्वालिटी थोड़ा प्लस है, तो थोड़ा सा रेट का ऊपर नीचे हो सकता है, बट फ्रेशनेस में और बाकी चीज़ों में अच्छा है, ओवरऑल मुझे ठीक लगा। काफ़ी सारे लोग यहाँ से वेजीज़ परचेज़ कर रहे थे, फ्रूट्स और वेजीज़ वगैरह परचेज़ कर रहे थे। मैंने फ्रूट्स एंड वेजीज़ तो नहीं परचेज़ किया, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा सामान हो गया था और सामान हाथ से लेकर जाना, घर तक जाना, वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि हम कार नहीं लेकर आए थे, हम नॉर्मल कन्वेंस के साथ आए थे। सो हम लोगों ने सिर्फ वैसे शॉपिंग की, बट ये सारे सेक्शंस घूमने में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये वाइट अनियन था जो कि 30 रुपीज़ में था, और बाकी चीज़ के और सारी चीज़ों के अलग अलग जो सेक्शंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक प्रॉपर अलग से सेक्शन है। जैसा कि आपको पता है कि ये GIP मॉल है और इतना बड़ा मॉल है कि अगर हम 5-6 दिन भी बराबर अगर इसमें घूमें तो भी हमें छोटा ही पड़ जाएगा, टाइम कम ही पड़ जाएगा, क्योंकि हर चीज़ बहुत ही डिटेलिंग में है। और आप बनाना की फ्रेशनेस से यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कितने ज़्यादा फ्रेश हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा, आपको एक भी स्पॉट नहीं मिलेगा फ्रूट के अंदर, एकदम से बहुत ही अच्छा सा और कायदे सा पैक करके और हर चीज़ को एक मैनेज वे में यहाँ पर देते हैं, जो कि अपने आप में एक अट्रैक्शन का केंद्र बना रहता है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा नीचे कमेंट करके। फ्रूट्स एंड वेजीज़ का सेक्शन देख के मेरा तो मन अच्छा हो गया, क्योंकि जब भी आपको पता है ना कि दिल्ली में मैं
सब्जियां और फ्रूट्स लेने खुद ही मार्केट में जाती हूँ, और जगह जगह के मार्केट से मुझे सब्जियां और फ्रूट्स परचेज़ करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हो सीजनल सब कुछ अवेलेबल है, और रेट वाइज के जो सेक्शन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है कि हमें क्या लेना है और कितने में लेना है। अलग अलग यहाँ पर जो है ना पैकेट्स लगे रहते हैं, जिन पैकेट्स में आप फिल कर सकते हो सामान। ना 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 ना, वो छोटा है बहुत, इतना हाई जंप है और इतना छोटा बच्चा कैसे कर ले रहा है, है ना वैभव? तो डर भी नहीं लग रहा है। ये शाम के बच्चों के हैं 6 और हम आ गए हैं GIP मॉल के बाहर। यहाँ पर बच्चों का खूब सारा काउंटर लगा हुआ है, गेम्स का बहुत अच्छा है, और संडे का दिन है बट आज ज़्यादा हमें क्राउड यहाँ पर देखने को मिला नहीं। और यहाँ पर देखिए हमारा सामान जो है ना वो पैक हो चुका है, हम एग्जिट करने वाले हैं यहाँ से। वैभव का बहुत मन कर रहा है बट वो मैं इतना रिस्क नहीं ले सकती। सो आई होप आज का व्लॉग आपने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। बाय।